तो जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय फोल्डेड एंड अनफोल्डेड लाइफ में। तो आप सब ने देखा होगा कि मेरे एक वीडियो में एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम ये जो रेड डॉट है, ये मतलब सिंदूर माथे में क्यों लगाते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि मुझे उनका वो क्वेश्चन बहुत ही इनोसेंट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कोई कुछ जानने का इच्छा लेकर कोई कुछ पूछता है तो बहुत अच्छा लगता है, और उनका उत्तर देना मेरा फर्ज भी बनता है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर जानेंगे कि महिलाएं जो हैं, विवाहित महिलाएं खास तौर पर, यहाँ बांग के बीचों बीच सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो वैसे हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि ये विवाहित महिलाओं का सुहाग चिन्ह है, इसीलिए लगाना चाहिए। और वैसे ये तो सामाजिक मान्यता है, लेकिन उसका असल कारण क्या है हम ये जानते हैं। हमारा ये जो स्थान है, ये ब्रह्मरंध्र और अधमी नाम का एक ग्रंथि होता है, उसके ठीक ऊपर रहता है। तो हम जब यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है, एक ही स्थान पे स्थिर रहता है। और ये कितना जरूरी भी है ये आप सब जानते हैं। विवाहित महिला अगर अपना ध्यान केंद्रित करेगी एक स्थान पर, तभी ना वो अपना घर परिवार ये सब अच्छे से संभाल पाएगी। इसीलिए मन के स्थिरता के लिए यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। और क्योंकि सिंदूर में मर्क्यूरी यानी कि पारा होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, हम पारा को खा नहीं सकते, क्योंकि खाने से हमारे शरीर के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन सिंदूर में जो बाकी एलिमेंट के साथ पारा भी मिलता है, तो जब हम उसको लगाते हैं यहाँ पे, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। वैसे सिंदूर लगाना या फिर माथे में सिंदूर लगाना, इसको हम हिंदू नारियां ही ज़्यादा करती हैं, दूसरे लोग ज़्यादा नहीं करते। वैसे आजकल तो ये एक फैशन स्टेटमेंट भी हो चुका है, तो कहीं कहीं दूसरे लोग भी उसको लगा रहे हैं। तो हम जब विवाह में जब हमारे माथे पे सिंदूर लगाया जाता है, मतलब हमारे मांग में सिंदूर भरा जाता है, तब ये बोला जाता है कि सिंदूर जो है वो सुहाग की निशानी है और इससे पति की उम्र लंबी होती है। ये तो गई धार्मिक मान्यता की बात। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्मरंध्र का ऊपरी स्थान होता है, ये मतलब यहाँ अंदर में ब्रह्मरंध्र है, तो सिंदूर में मर्क्यूरी रहता है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने से वो मर्क्यूरी का संबंध हमारे स्किन के साथ हो जाता है, तो इसमें सिंदूर एक दवा का काम भी करता है। ये ब्रह्मरंध्र के ऊपर ठीक लगाने से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है,
लेडीज ज़्यादा तनाव से बचती हैं और उनको रात को नींद ना आने की समस्या भी ज़्यादा नहीं होती। मांग में सिंदूर लगाने से ये सब फायदे होते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई कोई साधक भी होते हैं जो कि सिंदूर लगाते हैं माथे पर। उनका भी बस वही कारण है कि वो जिनकी भी आराधना कर रहे हैं, जिस भी देवी या देवता का आराधना कर रहे हैं, तो उनका मन स्थिर रहे, अपने इष्ट के प्रति उनका मन एकदम स्थिर रहे, अपने प्रभु के चरणों में स्थिर रहे, इसीलिए वो लोग भी सिंदूर का उपयोग करते हैं। और बस यही होता है महिलाओं के लिए भी, उनका मन स्थिर हो इसीलिए सिंदूर लगाते हैं। और अब आते हैं वो व्यूअर के क्वेश्चन पर। उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं अपने माथे पर ये रेड डॉट, ये बिंदी क्यों लगाती हूँ। तो कारण ये है कि सिर्फ मैं नहीं, ज्यादातर महिलाएं और बहुत सारे लोग, कुछ साधक आदि भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाते हैं। जैसे मैंने बिंदी लगाया है, कोई सिंदूर लगाते हैं, कोई चंदन लगाते हैं, कोई और कोई चीज ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे दोनों आईब्रोज आके जहाँ मिलते हैं, मतलब इसी स्थान पे, यहाँ पे होता है आज्ञा चक्र, जो कि हमारे मन को नियंत्रण करता है। और हम जब यहाँ पे कुछ लगाते हैं, जैसे मैंने ये बिंदी लगाया, तो लगाते टाइम हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र में भी वो दबाव पड़ता है। और आज्ञा चक्र को अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो महादेव का जो तीसरा नेत्र है, उसी तरह हमारा भी है, यहाँ पे अंदर, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, अंदर कहीं वो है। तो हम जब यहाँ पे थोड़ा दबाव डालते हैं, बिंदी चंदन ये सब लगाते टाइम, तो वो जो प्रेशर है वो आज्ञा चक्र पर होता है, यानी कि हमारे तीसरे नेत्र पर होता है। तो ऐसा करने से धीरे धीरे, अगर हमारे कर्म सही रहे, हमारा विश्वास सही रहा, तो तीसरा नेत्र भी अपना शक्ति पाता है और वो खुलता है। तो जैसे कि महादेव का तीसरा नेत्र है, हम सभी के अंदर भी एक तीसरा नेत्र है, जो कि ऊपर को दिखता नहीं है लेकिन अंदर कहीं है। उसका जागृत होना भी जरूरी होता है, और उसी को जागृत रखने के लिए हम यहाँ पे ये बिंदी, यानी कि वो व्यूअर की भाषा में बोलूँ तो ये रेड डॉट लगाया है, यानी लगाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे सिंदूर की ये स्टोरी, जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नोटिफिकेशन आएगा तभी ना आप देख पाएंगे वीडियो। तो आज इतने में रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।